दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू। फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 2021 में पार्लियामेंट अटैक में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता खास तौर पर मौजूद थे। देखिए, आज का दिन हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो 2001 के पार्लियामेंट पे हुए टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए थे, और इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन जो है उसका ये रिजॉल्व है कि जब तक पूरे भारतवर्ष से आतंकवाद ख़त्म नहीं होता तो फ्रीडम फाइटर्स की जो स्पिरिट थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने INA में दी थी, और उससे पहले भगत सिंह जी ने और राजगुरु और सुखदेव जी ने, और उससे पहले 1857 में मंगल पांडे जी ने जो स्पिरिट दी थी, वो स्पिरिट आज भी हम सब जम्मू कश्मीर निवासियों में, पूरे भारतवर्ष के फ्रीडम फाइटर्स के खून में भी और उनके एंसेस्टर्स में भी वो दौड़ रही है, और आतंकवाद का पूरे भारत से, पूरे विश्व से खात्मा करना है। आज पार्लियामेंट 2001 में आज के दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, भारत में, भारत के, समझ लो मैं ये कहूँगा कि संविधान पर भी अटैक था और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर भी अटैक था। उसके बावजूद भारतवर्ष ने सर्वाइव किया है और आगे भी भारतवर्ष की जो ये लोकतंत्र की परंपरा है वो सर्वाइव करती रहेगी। और इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन लोगों में, आने यूथ में और आने वाली पीढ़ियों में एक भारत माता के प्रति जो प्रेम का जज्बा है वो भरती रहेगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।